सारे ही विद्यार्थियों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। अज आप पढ़ांगे जमात बारहवीं डॉक्टर पाल कौर की कविता ओड़। सब तो पहला आप जान लिए कि ओड़ माने की होंदा है। ओड़ माने होंदा है सोका, हिंदी विच जिहनूं कहिंदे आ सूखा। सोका पैना भाई, बरसात वगैरह नहीं होना। ओड़ विगड़ गया है मौसम का मिजाज, नहीं लगती झड़ी हुण सावण दी, फैल गई है भादरों दी ओड़ सारे चौमासे विच। पहला प्रसंग तो शुरुआत करते हैं। यह काव सत्रां साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक पंजाबी साहित्य दर्पण भाग दूजा विच दर्ज डॉक्टर पाल कौर की रचना ओड़ विचों लईयां गईयां हन। इस विच कवित्री कहती है कि कुदरत का सुभा हुण मनमुख जिहा हो गया है, मौसम का मिजाज हुण बदल गया है। तुसी जिहड़ा तुहाडे पेपर दे विच आवे वह चार सत्रां पढ़नियां है और उनका एक पंच लाइन बना के उनका जिहड़ा केंद्री भाव होगा वह चौथी लाइन प्रसंग के अंदर लिखनी है। भाई मैं तुहानू पूरे पाठ का जिहड़ा इह सीगा उसनू अगर एक लाइन विच आखना पवे तो वह मैं तुहानू प्रसंग की अखीर की लाइन च लाया सीगा। तुसी अपने हिसाब नाल सत्रां पढ़नियां ने और चौथी लाइन फिट कर देनी है। पहलियां तीन फिक्स है भाई, पाठ पुस्तक का नाम, लिखारी का सरलेख, चौथी लाइन की दसिया गया उस की दसिया वह लिख देना है। हुण आपां गल करदे हां व्याख्या की। विगड़ गया है मौसम का मिजाज, वह कहिंदे आ जी मौसम का मिजाज है हुण विगड़ गया है, हुण मौसम पहला वर्गा नहीं रहा, नहीं लगती झड़ी हुण सावण विच। वह कहिंदा हुण पाल कौर कहिंदी है कि सावण दे विच हुण झड़ी नहीं लग रही है, फैल गई है भादरों की ओर सारे चौमासे विच। हुण भादरों दे विच भी, भादरों की ओर, भादरों दे विच भी सोका, ओड़ माने सोका, भादो महीने तो संबंधित, भादरों के महीने विच भी सोका हुंदा है, यानी सोका है जिहड़ा वह फैल के सावण की गल नहीं है, भादरों तक ही फैल चुके है सारे चौमासे दे विच, भादरों दे विच भी और सारे चौमासे दे विच भी सोका हुंदा है। ते जिहड़ा पहला अपना पैरा सीगा उस विच दस्सिया है कि मौसम का मिजाज, कुदरत का जिहड़ा मिजाज है हुण बदल गया है, हुण सावण दे विच झड़ी नहीं लगती और चौमासे दे अंदर भादों दे अंदर भी सोका रहिंदा है। मनमुख जी हो गई है बारिश, यह जिहड़ी बारिश है यह मनमुख हो गई है, कहिंदा जी करदा वर पैंदी है नहीं तर ना सही, बेवक्त वक्त बेवक्त बरसदी, यह वक्त ते बेवक्त बरसदी है, कहिंदा जदों जी करदा है बरसात दा उदों बरसदी है, अपने हिसाब नाल नहीं बरसदी पई। मनमुख जी हो गई है बारिश, बारिश है, बारिश है जिहड़ी बरसात वह मनमुख जी हो गई है, यह वक्त बेवक्त बरसदी है, कहिंदा कोई समा नहीं है, नहीं मनदी कोई असूल, ये किसी प्रकार का कोई असूल है वह नहीं मनती पई, कोई असूल नहीं मनती आ। फिर वह की कहती है, पहले तो गल की मौसम की, मौसम का मिजाज बदल गया है और मौसम कोई असूल नहीं मनता, पहली गल तो यह की गई है। हुण अगली गल कि है, मैं बदलों तो पूछिया, हुण बदलों तो पूछ रही है, मैं बदलों नूं पूछिया की पूछिया बई, क्यों लंघ जाते हो भरे भराए। कई बार आप देखते हैं उत्तों भरे भराए बदल लंघ जाते हैं, ऐसी तरीके कवित्री कह रही है कि मैं बदलों नूं पुछया कि तुसी भरे भराए क्यों साढ़े उत्तों की लंघ जाने हो, क्यों नहीं वरदे। बदलों ने केरिया बूंदा दो चार ते लंघे रस्ता वाला के, बदलों ने दो चार बूंदा सिटिया, यानी कि थोड़ी जी बरसात हुई और अपना रस्ता है, रस्ते अगे तुर पे लंघ गए बई, आ रस्ता छड़ के अगले रस्ते तुर पे, इतने बरसात नहीं की। हुण जिहड़ा पहला सवाल किया बदलों नूं पुछया उन्हें क्यों लंघ गए भरे भराए, तो बदलों ने दो चार बूंदा सिटियां और भैया बदल टप गए। हुण अगला सवाल देखते हैं जी किस तो करती है पाल कौर। पाल कौर अगला सवाल पूछती है, मैं पहाड़ा नूं पुछया, वह कह रही है कि मैं पहाड़ा नूं पुछया बई, हुण की कहती है, कहती मैं पहाड़ा नूं पुछया बई। हुण अगला सवाल पहाड़ा तो, मैं पहाड़ा नूं पुछया कि होया उस बदल दा पारस दा,
क्योंकि पहाड़ा ने की होंगी है कि बदल रोकने होंगे जिस कारण बरसात होंगी है। वह पहाड़ा पुछती है कि होया पई उस बदल का की होया, बरसात का की होया, बरसात क्यों नहीं हुई। तो गिर गया पहाड़ खड़ा खलोता, पहाड़ जड़ा वो खड़ा खलोता ही गिर गया पई। उस तो कोई जवाब नहीं बनया क्योंकि लोगों ने पहाड़ जड़े वह भी खोदने चालू करते, उन चो खनिज वगैरह क्डन होर क्डन पहाड़ा भी की कहें कि उस भी सहद मारी चालू करती है। पहाड़ भी गिर गया, खड़ा खलोता पहाड़ है वह गिर गया, उस तो जवाब नहीं सूझिया। फिर कहता अगला सवाल किस तो है भाई, अगला सवाल है कहती मैं रुखा पूछया, मैं फिर रुखा पूछया रुस्से हो क्यों बदला नाल, कहते तुसी बदला नाल क्यों रुस्से हो भाई, बरसात क्यों नहीं करा रहे। तो कहते विछ गए रुख होके गेलियां इमारतां दे पैरां विच, इमारतां दे पैरां दे विच। ओ कहते कि रुख है वह गेलियां बन के इमारतां दे पैरां दे विच गिर गए है। विछ गए ने रुख गेलियां इमारतों के पैरों में, हुण लोगों ने वड्डियां वड्डियां इमारतों उसारतियां, उन्हां इमारतों की थां जिहड़े रुख सीगे रुख वढ़ते, लोगों ने रुख वढ़ते उत्थे वड्डियां वड्डियां बिल्डिंगां बना लिया, बरसात होवे कि होवे किदां। अगला सवाल सी रुखां नूं पुछिया कि भाई बदल क्यों रुस गए, तो रुख ने रुखां ने आखिया कि विछ गए रुख हो के गेलियां, रुख ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਢ ਲਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਈ। ਸਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬਈ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਦਲਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਪ ਬਣਦੀ ਹੈ, उत्ते जाते हैं बदल बनते हैं, फिर बदल अगे पहाड़ों न टकराते हैं, पेड़ों के कारण बरसात ज्यादा होती है, वाष्पीकरण की क्रिया होती है। ये सारिया चीज़ा एक दूजे न जुड़िया हुई ने, तो सारिया गल् जो एक दूजे चिड़ी जुड़िया हुई हैं तो उन्ना गलों ही इसने शामिल किया है, उन्ना वस्तुओं ही शामिल किया है, उन्होंने ही शामिल किया गया है जो बरसात को प्रभावित करते हैं। अगला सवाल समुद्र तो, मैं समुंदर नूं पुछिया कित्थे है तेरा खजाना बदलां दा, मैं समुंदर नूं पुछिया कि तेरा बदलां दा खजाना कित्थे है, बदलां दा खजाना कित्थे है। ते समुंदर भी लै के सारी ओड़ सीने च उतर गया अंदर, ते समुंदर भी जिहड़ा सारा सोका सीने विच लै के अंदर उतर गया, अंदर चला गया, पिछे हट गया भाई समुंदर। होर मारी आवाज तो कंब गया वजूद, मैं उन्हूं होर आवाज मारी क्या समुंदर ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਜੂਦ ਕੰਬ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਛਲ ਉਛਲ ਪਿਆ ਸਮੁੰਦਰ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੁਣ ਉਛਲ ਉਛਲ ਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂਡਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂਡਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। क्योंकि हुण लोगों ने समुंदर के किनारे भी वड्डे वड्डे होटल उसार ले, वड्डियां वड्डियां बिल्डिंगां बना लिया, ते फिर तुसी वेख्या होवेगा समुंदर दे विच जदों उछाला आंदा है, सुनामी वर्गी कोई तूफान आंदी है, सुनामी वर्गा कोई तूफान आंदा है तां उह रोड़ के लै जांदा है, चंगा तांडव मचांदा है, रोड़ के लै जांदा है किनारे ते। सब ये लोग खतरा मुल लै रहे हैं, लोग किस तरीके नाल इन्हां दा कान कर रहे हैं भाई। इसी कारण अगली सत्र दे विच कह रही है के ही है खेस खेड असाडी केहे निसा, कहिंदे आ साडी केजी खेड है, साडी ए केजी खेड है भाई, कैसी खेड है कैसे सा ने, कैसी खेड है भाई। हुण ते हुण ए सार भी किहो जिही है, किहो जे हो गए ने, की रुस बैठे ने रुख पहाड़ समुंदर ते बदल। वह कहिंदी है कि रुस बैठे ने रुख समुंदर पहाड़ ते बदल रुस बैठे ने, रुख क्योंकि रुखां नूं लोकां ने वढ़ता उत्थे इमारतां बना लिया, पहाड़ां दा भी लगातार ओ पहाड़ है जो कट रहे हैं लोग, उंदे विच्चों खजाना कट रहे हैं समुंदर, समुंदरां दे किनारे भी लोगों ने जो है कब्जा कर लिया है, हुण बदल कित्थों आ, सारे रुस गए बई। हुण की कहती है
ना मारे कोई आवाज बदला नू, हुण कोई बदला नू आवाज ही नहीं मारदा, शहर वाले तो मारते नहीं, गंगानगर वाले तो नहीं मारते, अगले कहते ज्यादा बरसात होगी तो गंगानगर ना डुब जाए किते, उहदा एक दो बरसात बड़ी बरसात होगी, बड़ी बरसात होगी, डुब गया डुब गया, ना मारे कोई आवाज बदला नू, हुण कोई चाह करके बदला नू आवाज ही नहीं मारदा। हुण कित्थे जग होंदे आ, पहला जग होया करदे सीगे ते लोग की कहिंदे आ बदला नू आवाज मारिया करदे सी, छोटे बच्चे तुसीं वेख लो बरसातां च नहांदे सी तां कहिंदे सी कालियां इट्टां काले रोड मीह बरसादे जोरम जोर, असीं वी जदों नहाया करदे सी तां क्या करदे सी कालियां इट्टां काले रोड, हुण कोई आवाज नहीं लगा रहा बदला नू, बरसात हुंदी है नहा आंदे ना तां ना सही, अगले शावर ला ले लोकां नू, लोकां लोड़ ही नहीं, ना गावे कोई राग बलहार, हुण कोई कोई राग बलहार नहीं गा रहा अजकल, लोग कहिंदे कहिड़ी राग मिला रहे एवें थोड़ी बरसात हुंदी है, कोई ना कोई गावे राग मलार, कोई राग मलार नहीं गा रहा, ना मारे कोई अर्जन बदला च तीर, हुण कोई अर्जन बदला च तीर नहीं मारदा, तीर मार के अर्जन बरसात कर दिंदा सी, हुण कोई अर्जन नहीं गा जिहड़ा बदला च तीर मार के बरसात करदे, खलो गया है भादरों अड़के, भादरों है जिहड़ा भादों दा महीना अड़के खलो गया है भाई, अड़के खलो गया है, चढ़ी है गहर चफेरे, चारों चफेरे चारों तरफ गहर चढ़ी हुई है भाई, सोका सोका सोका, ना बनते ना बरसते बदल, हुण ना बनते है हुर ना ही बदल बरसते है, बदल बरस नहीं रहे बन भी नहीं रहे भाई, चारों चफेर ऐसा चढ़िया होया है, विगड़ गया है मिजाज अंदर बार ओढ़ ही ओढ़, ये मिजाज ही विगड़ गया है, सारिया का मिजाज बिगड़ गया है, अंदर बार सोका ही सोका, मनुख दे अंदर भी सोका है ते बार भी सोका है, ये मिजाज है सुभा है जेड़ा वो बदल गया है भाई, अंदर बार सोका, मनुख दे अंदर भी सोका ते बाहर भी सोका भाई। हुण मैं एक ही गल जड़ी हर बार समझाना है वो आ कि तुसी कोई भी कविता याद करो, कोई भी प्रश्न याद करो, कुछ भी याद करो, उसनों एक कहानी जी बना लो, उसनों कीवर्ड्स नोट कर लो, उनके कीवर्ड्स कुछ ऐसे शब्द नोट कर लो कि तुसी कहानी सारी बयान कर सको, और सोका हुण सोके दी जदों इत्थे गल कीती है पाल कौर ने तो सब तो पहली गल आपां नूं याद होनी चाहिए है पाल कौर की रचना है, और सोका सब तो पहले ने मौसम के मिजाज की गल की, आ देखो मौसम के दे मिजाज की गल की, आपां नूं ध्यान होना चाहिए है मौसम का मिजाज भाई, क्यों सोका पै रहा है चमासे दे विच भी, क्यों बारिश है वक्त बेवक्त हो रही है, फिर पहला सवाल बदला नू, उन्हें बदला नू पूछ लिया भाई क्यों टप गए तुसी एवें, फिर पहाड़ा नू पूछिया भाई क्यों नहीं रोक रहे बदल बरसात क्यों नहीं करा रहे, फिर रुखा नू पूछिया भाई सवाल किस तो, पहला सवाल बदला तो, फिर पहाड़ा तो, फिर रुखा नू, रुखा नू पूछिया, रुखा ने फिर दसता कि भाई साडा तां कट कट के लोगों ने इमारतां बना लिया, बदलां नू पहाड़ां नू रुखां नू पुछिया, फिर समुंदर नू पुछिया, समुंदर भज गया भाई, और फिर तांडव रचाया, सब तो पहला मौसम दे मिजाज दी गल, फिर चार उदाहरण बदलां दा, बदलां दी गल कीती, फिर पहाड़ां दी, फिर बिरख दी गल कीती, फिर समुंदर दी, और फिर दसिया किस तरीके नाल इह उजाड़ा हो रहा है, फिर आ गल दसी बई हुण कोई आवाज नहीं करता, कोई यग नहीं करता, कोई राग मिलार नहीं गाँदा, कोई अर्जन है जिहड़ा वो तीर नहीं चलांदा पिया भाई, चारों तरफ की कहिंदे आ सोका ही सोका है, मनुख दे अंदर भी सोका ते मनुख दे बाहर भी सोका है भाई। हुण अगर यह तो और कविता का तुसी विशा वस्तु लिख सकते हो, व्याख्या करते भी तुहानू सहायता मिलेगी, पर तुसी यह ध्यान रखना है सब तो पहला आपां लिखना है मौसम दे मिजाज दे बारे, फिर चार गल्लां आपां नूं कीवर्ड्स याद रखने हैं वो हैगे है बदल रुख पहाड़ समुंदर, इन्हां उत्ते दो दो लाइनां लिखनी है विशा वस्तु के अंदर, और अखीर च वो कोई यग नहीं करता अर्जन तीर नहीं मारदा ये गल्लां लिखनी है, और लास्ट च अंदर बार सोका ही सोका ये गल लिखना है, अंदर भी सोका है दिलों के लोगों के ते बाहर भी सोका है। हुण गल करिए आपां केंद्री भाव की, केंद्री भाव की गल करनी है, और कविता का केंद्री भाव लिखो, ये प्रश्न आ सकता है तो आपां की करांगे, डॉक्टर पाल कौर की रचना और दे विच दस्या गया है कि मौसम का हुण अपना सुभाव बदल गया है, हुण अपनी मर्जी नाल आउंदा है मर्जी नाल जांदा है, वक्त बेवक्त हो गया,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰ ਪਹਾੜ ਬੱਦਲ ਮਨਮੁਖ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਬਦਲਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚਾਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਜਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਲ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਭਾਈ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੋਕਾ ਹੀ ਸੋਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਤੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਕਰਾਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕਰਾਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਪੇਪਰ ਚ ਆਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਕਿਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਭਾਵਰਤ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ।